गुड मॉर्निंग। तो अपन पढ़ रहे थे 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, तो बहुत लोगों को डाउट था कि सर उसका 6th पार्ट कर दे। 6th पार्ट में क्या है भाई, 6th पार्ट में बता देता हूं मैं कि यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ इक्वेशन में है, डिनोमिनेटर में कुछ दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में यहां भी दिया हुआ है, तो अपन परेशान हो जाते हैं डिनोमिनेटर में दिया है तो अब क्या करें। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, डिनोमिनेटर में अगर कुछ दिया हुआ है तो सबसे पहले लेफ्ट पार्ट का अपन एलसीएम लेके उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। मैंने जब भी बताया डिनोमिनेटर में जब भी कुछ दिया होता है अपन को अच्छा नहीं लगता, अपन एलसीएम लेते हैं। तो चलो भाई इस वाले पार्ट का एलसीएम ले रहे हैं। इस वाले पार्ट का एलसीएम कैसे लेंगे भाई, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं 3 और 2 का एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। अच्छा अब क्या करेंगे, 6 में 2 का डिवाइड हुआ 3 बार, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करी 9x, फिर 6 में 3 का डिवाइड आया और क्वेश्चन आ गया 2, 5 में मल्टीप्लाई करी 10y। अब इक्वल में क्या आपके पास में -2, ऐसा कैसा रहेगा। अब एक बात देखो आप, 9x माइनस 10y के साथ पूरे के साथ में 6 डिवाइड में, तो सामने जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आगे लिख रहा हूँ भाई मैं, सामने जाके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू दी -12। ठीक है, अब इधर भी ऐसे ही सेम काम कर लें, क्योंकि इधर भी डिनोमिनेटर में, जब भी डिनोमिनेटर में अपन को अच्छा नहीं लगता अपन एलसीएम लेते हैं, फिर से 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। तो 6 अगर मेरे पास में कोई नंबर आया उसको 3 से डिवाइड करूंगा, क्वेश्चन आएगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, इधर मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ जाएगा 3y = 13/6। अब 2x प्लस 3y के सामने 6 मल्टीप्लाई में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में उसको सामने ऊपर चला जाएगा क्या, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y = 13/6। और 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई में भेज दूं ये वाले 6 को उधर, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरी इक्वेशन क्या बन गई भाई, दूसरी मेरी इक्वेशन बन गई है 2x प्लस 3y = 30। अब ये क्वेश्चन अपन को एक इक्वेशन ये थी मेरे पास में, एक इक्वेशन ये थी मेरे पास में, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे सब्स्टिट्यूट मेथड से। और सब्स्टिट्यूट करने के लिए अपन ने देखा था भाई कि यहां से अगर x की वैल्यू उठाई है तो यहां नहीं रखेंगे वापस, यहां रखेंगे, और अगर यहां से x की वैल्यू उठाई है तो यहां नहीं रखेंगे वापस, यहां रखेंगे। जो अच्छा लग रहा है वो कर लो, x की वैल्यू उठानी है x की उठा लो, y की वैल्यू उठानी है y की उठा लो, बस ध्यान क्या रखना है उस इक्वेशन में वापस पुट नहीं करनी है, नहीं तो 0 के बराबर में 0 आ जाएगा। चलो तो यहां से वैल्यू उठाते हैं भाई, x की वैल्यू उठा रहा हूं मैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे भी ट्राई करना, x की वैल्यू उठा रहा हूं, x की वैल्यू के लिए। अब एक बात आप लोग देखो, 2x तो इधर ऐसा कैसे, ये 3y जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस कर देगा। आपको x की वैल्यू चाहिए तो x के रेस्पेक्ट में y प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब x की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में 2 क्या मल्टीप्लाई में, सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास में आ गई 13 - 2y / 2, यहां पुट कर देता 3y। कंटिन्यू करना, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 13 - 3y / 2। अब इस x की जो ये वैल्यू है यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, तो यहां पे अगर मैं पुट करूंगा तो 9, किसी भी और चीज को नहीं छेड़ना है, सिर्फ क्या करना है x की जगह पे दूसरी इक्वेशन से जो अपन x की वैल्यू है वो पुट करनी है, तो 13 - 3y / 2 और -10y ऐसा का ऐसा, -12 भी ऐसा का ऐसा। अब 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 13 9 सा क्या होएगा भाई, और 27y मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों से होगी, ठीक है। अच्छा अपॉन में क्या आ गया 2 - 10y = -12। अब फिर से डिनोमिनेटर में अपन को कुछ अच्छा नहीं लगता, अपन क्या करते हैं दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, अभी क्या आ जाएगा 2 इधर एलसीएम आ जाएगा, ये आ गया 117 - 27y - 20y = -12, ठीक है 20 है भैया। अच्छा अब देखो ये 20y किसका है माइनस का, 27 भी किसका है माइनस का, क्या हो जाएगा टोटल -47 हो जाएगा क्या, तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ भाई, इसको ऊपर लिख रहा हूँ क्या हो जाएगा 117 - 47y / 2 = -12। इसके आगे अगर ये 2 अगर डिवाइड में सामने जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 117 - 47y = -24। अब 24, अब क्या करेंगे भाई, 24 को एक साइड ले आऊं 47 को उधर भेज दें, तो 27 इधर 24 इधर माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 47y। अब बताओ ये दोनों सेम साइन के ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास में 4141 और इज इक्वल टू दी 47y। तो y की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 141/47। तो ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है क्या, 3 बार हो जाएगा भाई, 3 बार हो जाएगा क्या पूरा, तो 3 बार ही आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 3। y अगर 3 आ गया,
अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई, कहाँ रखना है उसको, y की वैल्यू को कहाँ रखना है, कहीं भी रख सकते हो भाई, यहाँ यहाँ आपने जो सिंप्लीफाई करके बनाया था, यहाँ यहाँ जो आपने x की वैल्यू उठाई थी, यहाँ जो अच्छा लग रहा है वो कर लो, मैं यहाँ रख रहा हूँ भाई। x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू जो मैंने सॉल्व करी है कहीं भी रख सकता है। जब अपन इक्वेशन में से उठाते हैं तो दूसरी इक्वेशन में रखनी होती है, कुछ कॉन्स्टेंट उसकी y की वैल्यू आ गई तो कहीं भी रख सकते हैं, बात ध्यान रखना भाई। 3 को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो 13 - 3 × 3 / 2, तो अब क्या आ जाएगा, 13 - 3 × 3 क्या होगा, 9 = 4/2 = 4, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 2 और y की वैल्यू आ गई 3, दोनों कांस्टेंट, दोनों वेरिएबल को अपन ने सॉल्व कर दिया, दोनों की वैल्यू आ गई, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है सर, अगर आप लाइन लगा के लिखेंगे ज्यादा बेटर है। हां लाइन लगा के लिखे तो हां बोर्ड को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, पैटर्न समझ जरा कहां से स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन। हां नहीं सो सर, क्वेश्चन एंड होने के बाद नहीं पता चल रहा कहां से, जब पूरी वीडियो में जाएगा उसको पता चल जाएगा। नहीं अभी मैं नहीं सही बोल रहा सर, मैं कर सकते तो कर लो ज्यादा बेटर रहेगा। हां तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो स्टार्टिंग से दिख रहेगा उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्या दोबारा करोगे? नहीं नहीं ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये क्वेश्चन ही बहुत लंबा है, नहीं तो अगर एलिमिनेट कर दो, यही आंसर आंसर को सर सर्कल कर दो, कर दिया मैडम, कर दिया कर दिया, x और y की वैल्यू सर्कल तो कर दिया। जब है ना ऐसे तो क्लास में होता है ना, तो सोच लेते हैं कि अगला स्टेप कहाँ लिखना, कैमरे का आगे एक दिमाग में चल रहा है कि जितना हो सकता है इसको फेस ना करें। मैम आपको भी 3 क्लास 3rd क्लास के लिए बना देंगे वीडियो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही लिख लेना सर, मतलब परेशान हो जाओ आंसर मैच नहीं करे आना गलत से बुला लो रूम दो तीन होने चाहिए। आज बन जाए ना सर, फिर तो हम रूम तो करा देंगे, आज सक्सेसफुल हो जाए एक बार, मानी और शिवा मैम और सबको दिखा लेंगे एक एक सबका बना सर, पहले लाइन की ड्रॉ करो। हां अभी बस मैं यही करने वाला हूं, ये हो गई थोड़ा और कर ले सर, अरे सर डिपोज नहीं हुई और नहीं हुई बाय गॉड, क्या बात कर सीरियसली सर, अरे वो यार ये रहा पॉज।